हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी टैबलेट के बारे में बताएंगे जिसको लेने के बाद महिलाओं में उत्तेजना जागृत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस टैबलेट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फीमेल बाइग्रा, इसको बोला जाता है। और जैसे कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल से समझ ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं फिलवेंसरीन टैबलेट के बारे में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, तो वो काफी टाइम पहले बनाया था। आज के इस वीडियो में हम इस टैबलेट के बारे में कुछ और खास बातें आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो को देखना है, आगे तक बने रहना है, थोड़ा सा पार्ट स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए बात करते हैं मुद्दे पर। तो फिलवेंसरीन टैबलेट जो है, सबसे पहले इसके ब्रांड नेम को जानते हैं कि आखिरकार ये आपको मार्केट में किन किन नामों से मिल जाती है। तो आपको फिलवेन नाम से मिल जाएगी, एडी नाम से मिल जाएगी, स्वयं जी की टैबलेट आती है। और जो दोस्तों फिलवेंसरीन जो टैबलेट होती है, ये अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाती है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इसको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे और डॉक्टर से पता करने के बाद ही इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं इस टैबलेट के फायदों के बारे में। इस टैबलेट का जो इस्तेमाल होता है, इसका जो फायदा होता है वो होता है महिलाओं में यौन इच्छा बढ़ाने के लिए। जैसे HSDD के इलाज में इसको लेने की सलाह दी जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपर एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी महिलाओं को ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है जिन महिलाओं को जो है उत्तेजना नहीं होती है, काम इच्छा की कमी होती है, उनको अपने मेल पार्टनर के साथ कुछ भी करने का मन इच्छा नहीं कर रही है, तो उस चीज को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। बहुत सारे मेल पार्टनर की जो है शिकायत रहती है कि उनका पार्टनर जो उनको एंजॉय नहीं कर पाता अच्छे से, तो उस चीज को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को सलाह देते हैं डॉक्टर लेने के लिए, फिलवेंसरीन टैबलेट को। जी हाँ दोस्तों, इसका यही यूज होता है कि ये महिलाओं में उत्तेजना बढ़ाती है। कुछ इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं, जो कॉमन साइड इफेक्ट आते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद। तो इसको लेने के बाद आपको चक्कर लगेंगे, चक्कर आएंगे, थकान लगेगी, मितली जाएंगी, उल्टी, दस्त हो सकते हैं। इससे हटकर भी अगर आपको कोई और साइड इफेक्ट दिखता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही मिलें इस टैबलेट को रोकने के बाद। अब जानते हैं सावधानियों के बारे में। इस टैबलेट को अगर कोई महिला लेना चाहती है, ले रही है, तो किन किन बातों को उसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्या सावधानियां हैं? तो ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग जरूर सुने जिनको जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, प्रेगनेंसी कराती हैं, तो वो इस टैबलेट को ना लें। या फिर लेना भी चाहते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेना है, इस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। शराब के साथ इस टैबलेट का सेवन नहीं करना है। लीवर, किडनी और हार्ट, मतलब दिल की किसी को बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो वो उसको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। या फिर कोई मेडिसिन उसकी चल रही है, कोई और बीमारी है, तो इस टैबलेट को लेने से पहले वो अपने डॉक्टर को जरूर बताए कि उसको ये प्रॉब्लम है, ये दवाई चल रही है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अब जानते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। तो ये जो टैबलेट होती है, इस टैबलेट की जो डोज होती है दोस्तों, एडल्ट डोज होती है, इसको महिलाओं में लेने की सलाह दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ वो जो एडल्ट महिलाएं होती हैं। बच्चों में इसको नहीं लिया जाता, कोई भी जो है 18 साल से कम उम्र वाली लेडी इसको यूज ना करें। एक टैबलेट जो है रात को सोने से पहले महिलाओं को दी जाती है, और ये जो है इसका जो असर होता है, इस टैबलेट का जो असर होता है वो धीरे धीरे होता है। कुछ हफ्तों तक आपको इसका असर कम दिखेगा, उसके बाद में आपको धीरे धीरे इसका रिजल्ट असर बढ़ने लगेगा। तो इसका एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप इसको लेते रहेंगे तो कुछ हफ्तों बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फिलवेंसरीन टैबलेट होती है दोस्तों, जिसको फीमेल बायोग्राफ भी बोला जाता है। तो इसके बारे में हमने आपको सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, लोगों को शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा, ताकि इस वीडियो से और लोगों को हेल्प मिल सके। और मैं एक बात फिर से बोलूंगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के ये मेडिसिन नहीं लेनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको एक एक चीज बारीकी से बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।